तो दोस्तों क्वेश्चन है, चिरौंजी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रेटर, ऑप्शन बी सिप्टर, ऑप्शन सी कटपानट या फिर ऑप्शन डी स्कीमर। तो इसका आंसर गेस करने के लिए आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कटपानट। चिरौंजी को अंग्रेजी में कटपानट कहा जाता है। तो क्या इससे पहले आपको इसका मीनिंग पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट है, मुहांसों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, और वही क्वेश्चन सेकंड है, फोड़ा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इन दोनों क्वेश्चन का मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आप इनका मीनिंग नहीं जानते हैं और आप जानना चाहते हो कि इनका मीनिंग क्या होता है, तो हम पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में डाल रहे हैं। उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर ले, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में ऐसे कई सारे वर्ड है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, लेकिन हमें उनके मीनिंग इंग्लिश में पता ही नहीं होते। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर ले और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हेल्प बेटा, देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।